हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल सुभलभ जी के क्लासेस में स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। आज है 11 मई 2023, आज की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड के निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और इसका सही आंसर है गौरव गुलाटी, यानी गौरव गुलाटी को राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ए, गौरव गुलाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैडमिंटन एशिया ने किसे तकनीकी अधिकारी समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है? और इसका सही आंसर है उमर रशीद, यानी उमर रशीद को बैडमिंटन एशिया ने तकनीकी अधिकारी समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा बी, उमर रशीद। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के आईटी कंपनी माइक्रोलैंड ने किसे अपना मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त करेगा? और इसका सही आंसर है राजेश खरीदल, यानी राजेश खरीदल को माइक्रोलैंड ने अपना मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त करेगा, यानी इसका सही आंसर है डी, राजेश खरीदल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मंत्रालय ने लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम सक्षम लॉन्च किया है? और इसका सही आंसर है स्वास्थ्य मंत्रालय, यानी स्वास्थ्य मंत्रालय ने लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम सक्षम लॉन्च किया, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ए, स्वास्थ्य मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने एक नया विभाग राज्य लेखा परीक्षा निर्देशालय बनाने का निर्णय लिया है? और इसका सही आंसर है राजस्थान, यानी राजस्थान सरकार ने एक नया विभाग राज्य लेखा परीक्षा निर्देशालय बनाने का निर्णय लिया, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा बी, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैदल चलने वालों के लिए राइट टू वॉक लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? और इसका सही आंसर है पंजाब, यानी पंजाब सरकार ने पैदल चलने वालों के लिए राइट टू वॉक लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा सी, पंजाब। सड़कों के किनारे फुटपाथ और साइकिल ट्रैक बनाना अनिवार्य कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक ने नियमों का उल्लंघन करने के लिए किस बैंक को 1.73 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? और इसका सही आंसर है एचएसबीसी बैंक, यानी भारतीय रिजर्व बैंक ने नियमों का उल्लंघन करने के लिए एचएसबीसी बैंक को बैंक पर 1.73 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा सी, एचएसबीसी बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सपोर्ट को ग्लोबल कलेक्शन सर्विस देने के लिए कैश फ्री पेमेंट ने किस बैंक के साथ साझेदारी की है? और इसका सही आंसर है यस बैंक, यानी एक्सपोर्ट को ग्लोबल कलेक्शन सर्विस देने के लिए कैश फ्री पेमेंट्स ने यस बैंक के साथ साझेदारी की है, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यस बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्कर नामांकित भारतीय वित्त चित्र यानी डॉक्यूमेंट्री राइटिंग विथ फायर को वित्त चित्र श्रेणी में पी बॉडी पुरस्कार मिला है, इस फिल्म के निर्देशक कौन है? इसका सही आंसर है दोनों कौन, सुष्मिता घोष और रिंटू थॉमस, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा सी, सुष्मिता घोष और रिंटू थॉमस। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस टेनिस खिलाड़ी ने ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड जीता है? और इसका सही आंसर है कार्लोस अल्कराज, यानी कार्लोस अल्कराज ने ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड जीता, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा सी, कार्लोस अल्कराज। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसे मिला है? और इसका सही आंसर है लियोनेल मेसी, यानी लियोनेल मेसी को लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार मिला है, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ए, लियोनेल मेसी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसे मिला है? और इसका सही आंसर है सेली एन फ्रेंजर प्रिस, यानी सेली एन फ्रेंजर प्रिस को लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार मिला है। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा डी, सेली एन फ्रेंजर प्रिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्यों ने स्टेट रोबोटिक्स फ्रेमवर्क नामक एक नई नीति पेश की है? और इसका सही आंसर है तेलंगाना, यानी तेलंगाना राज्य सरकार ने स्टेट रोबोटिक्स फ्रेमवर्क नामक एक नई नीति पेश की है। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा बी, तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल इंडिया जूनियर रैंकिंग बैडमिंटन टूर्नामेंट 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? और इसका सही आंसर है गुवाहाटी। यानी ऑल इंडिया जूनियर रैंकिंग बैडमिंटन टूर्नामेंट 2023 का आयोजन गुवाहाटी में किया जा रहा है, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा डी, गुवाहाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश कैबिनेट ने राज्यों के 11.9 लाख डिफॉल्टर किसानों को ऋण पर ब्याज माफ करने के लिए कितना करोड़ रुपए का प्रस्ताव को मंजूरी दी है? और इसका सही आंसर है 2123 करोड़। यानी मध्य प्रदेश कैबिनेट ने राज्यों के 11.9 लाख डिफॉल्टर किसानों को ऋण पर ब्याज माफ करने के लिए 2123 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 2123 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? यानी नेशनल टेक्नोलॉजी डे। और इसका सही आंसर है 11 मई को मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, यानी नेशनल टेक्नोलॉजी डे। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 11 मई। अब करंट अफेयर्स रिवीजन, मैड्रिड ओपन 2023 का महिला एकल का खिताब किसने जीता है? आर्याना साबालेंका। भारतीय नौसेना ने किस INS को सेवा मुक्त किया है? INS मगर को। वेकफिट की ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? आयुष्मान खुराना। किसने दोहा डायमंड लीग जुबेनाइल थ्रो 2023 का खिताब जीता है? नीरज चोपड़ा। नेक्स्ट, किसे एशियाई फुटबॉल परिसंघ के कार्यकारी समिति के सदस्यों के रूप में चुना गया है? डॉक्टर साजी प्रभाकरण। विश्व बैंक का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अजय बंगा। किसे ONGC का मानव संसाधन निदेशक नियुक्त किया गया है? मनीष पाटिल। कोल इंडिया के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? पोलाबारुपु मल्लिकार्जुन प्रसाद। नेक्स्ट, किस देश की क्रिकेट टीम ने ACC पुरुष प्रीमियर कप 2023 जीता? नेपाल। किस देश ने संविधान संशोधन के लिए जनमत संग्रह करवाया है? उज्बेकिस्तान। इंडियन बैंक ने किसे कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? आशुतोष चौधरी को। नेक्स्ट, भारत पेट्रोलियम के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राजकुमार दुबे। भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम के मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? प्रीतम सिंह चौहान। किसे वायुसेना का नया उप प्रमुख नियुक्त किया गया है? एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? 161। और प्रीवियस ईयर्स के कुछ क्वेश्चन, किसे आंध्रभोज के नाम से जाना जाता है? कृष्ण देव राय। पोलासी के युद्ध के समय मुगल सम्राट कौन था? आलमगीर द्वितीय। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद के तहत दिया जाता है? अनुच्छेद 25। नेक्स्ट, राउरकेला स्टील प्लांट किसकी सहायता से स्थापित किया गया था? पश्चिमी जर्मनी। गुरुशिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? राजस्थान। मानव शरीर में विटामिन ए कहां संग्रहित होता है? यकृत में। माणिक्य नीलम रासायनिक रूप से कैसे जाने जाते हैं? एल्यूमिनियम ऑक्साइड।
ये कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन थे। अगर आपको अच्छा लगा है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा।